चिल्ड्रंस, कल हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था और उसके साइन कन्वेंशन पढ़े थे। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स में जैसे सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन दिया है, इस इलस्ट्रेशन में एक सर्किट डायग्राम बना है। इस सर्किट डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ, ये एक पूरा सर्किट है। इसमें एक ई वन सेल ये है, एक ई टू सेल है, यहाँ पे आर वन है, आर टू आर थ्री सेल्स है। इनमें हमें पोटेंशियल निकालना है या करंट निकालनी है, जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इसमें करंट की मार्क कर लेनी है। जैसे एक करंट आई वन है, यहाँ पर यह करंट आई टू है, सेल ई टू से निकली। फिर यहाँ पे एक जंक्शन देखेंगे हम लोग, जंक्शन जो होगा उसको बोलेंगे जहाँ पे करंट मिलती हो या मिलने के बाद अलग अलग होती हों। जैसे करंट यहाँ पे सी पॉइंट पे आके मिल रही है आई वन आई टू, और एक करंट जा रही है बाहर, वो क्या है, आई है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है इस टाइप से। ठीक, आया समझ में? इसके बाद हम लोग जंक्शन रूल जब लगाते हैं, जंक्शन रूल में ये लगाते हैं आई वन आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू और इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका जंक्शन रूल से करंट हुई आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। इसके बाद हम लोग लूप बनाते हैं, लूप बनाते हैं। इसमें एक लूप ये है आपका ए बी सी एफ ए, जैसे ये दिया क्लोज पाथ ए बी सी एफ ए। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं करंट किस डायरेक्शन में चलती है। करंट हमारे की डायरेक्शन ये है, जैसे आपको बताया अभी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आया रेजिस्टेंस, वो क्या है, आर वन। इसमें करंट कौन सी फ्लो हुई, आई वन, दैट इज आई वन प्लस आर वन। इसके बाद यहाँ से चलते हुए सी से हम लोग अंदर की साइड को गए। अब हमारी डायरेक्शन जो हमारी फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, सी टू एफ है, पर करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, एफ टू सी हो रही है। और हमें चलना किस डायरेक्शन में है, सी टू एफ चलना है। तो हम लेंगे अब निगेटिव लेंगे डायरेक्शन, दैट इज आई टू आर टू। पहले वाले में लिया हम लोगों ने आई वन आर वन, क्योंकि वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही उसी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। बात समझ में आई, तभी क्या था आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू। नेक्स्ट है आपका, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब हम लोग इक्वल टू की तरफ लेके चलेंगे। जैसे आपको कल बताया था जो सेल है वहाँ से क्या है ई वन, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को चलते हैं, तो हम लोग लेते हैं निगेटिव इक्वल टू माइनस लिया हमने ई टू निगेटिव। और फिर क्या है आपका, अब हमारे जो सेल है उसके बाद क्या है, हम लोग घूम के आएंगे, ऐसे घूम के आएंगे यहाँ से यहाँ, ये क्या आपका ई टू, ई टू निगेटिव हुआ, ये अब है आपका ई वन, ये ई वन है, ई वन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू माइनस इक्वल टू माइनस ई टू प्लस ई वन, या फिर आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, इक्वेशन सेकेंड। अब हमने लिया लूप सेकेंड, ये वाला लूप हमारा सेकेंड है। इसमें लेंगे हम लोग सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। अब हम लोग चल की डायरेक्शन में रहे हैं, हमारी डायरेक्शन भी यही है पहले वाली, ये वाला डायरेक्शन है। इसमें आई टू आर टू पॉजिटिव होगा, आई टू आर टू पॉजिटिव है। फिर ये इसके बाद करंट कौन सी है इसमें, आई, वो कौन से रेजिस्टेंस में, आर थ्री में, वो क्या होगी, आई आर थ्री। इसके बाद वापस आते हुए हम लोग आएंगे, इधर से वापस आए, यहाँ पे वापस आए, ई से एफ, एफ से सी की तरफ को चलेंगे, ये सेल आएगा ए टू, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाए,
तब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा आपका E2, तब इक्वेशन कौन सी बनेगी I2 R2 प्लस I R3 इक्वल टू E2। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को इसकी वैल्यू I की यहाँ पे रखी, तब क्या होगी ये I1 प्लस I2 R3। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड, इनसे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग फिर I1 I2 I की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में दिया है एक सर्किट दे रखा है, वो क्या A B C D E F, इसमें आपको पोटेंशियल निकालना है इस एक्रॉस, इसके एक्रॉस एट ओम के एक्रॉस। जो सेल है, एक सेल ये है 4 वोल्ट, इसको ऊपर वाले को हमने लूप वन माना, नीचे वाले को लूप टू माना, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे में एक 4 ओम का, ये 6 वोल्ट की बैटरी नीचे है, ये 1 ओम का नीचे है। ये नीचे वाला 6 वोल्ट वाले को E2 सपोज किया, ऊपर वाले को 4 वोल्ट वाले को हमने E1 सपोज किया। अब हमने लिया लूप वन, लूप वन क्या होगा, ये ए डी सी बी ए, ये है आपका लूप वन। इसमें हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले जंक्शन रूल देखेंगे। जंक्शन रूल क्या है, यहाँ पे डी पॉइंट पे जंक्शन, इसमें कौन सी करंट पास आ रही है, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई, ये आपका जंक्शन है ठीक। अब इसमें जब आप इस वाले लूप में चलेंगे, आप चले ए पॉइंट से, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डी के बाद में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे 8 इंटू आई, जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो क्या होगा 8 आई प्लस, फिर वापस आएंगे बी से सी की तरफ को, ये क्या होगा 6 इंटू आई वन प्लस, फिर बी से ए की तरफ को चले प्लस 2 आई वन इक्वल टू 4, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये इक्वेशन बनी आपकी। अब जंक्शन रूल से क्या है, यहाँ पे दो करंट मिल रही हैं, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई, इस आई की जगह हमने वैल्यू रखी आई वन प्लस आई टू प्लस 6 आई वन प्लस 2 आई वन, इसको सोल्व करने के बाद इक्वेशन बनी हमारी 8 आई वन प्लस 4 आई टू इक्वल टू 2 इन लूप 2। अब हमने लिया लूप 2, ये वाला ये है आपका एफ डी सी ई एफ। इसमें हम लोग चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे रास्ते में क्या आया, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आया, 4 आई टू प्लस 8 आई प्लस, इसके बाद में ये यहाँ के बाद ये आपका 1 ओम दैट इज आई टू इक्वल टू निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ 6 वोल्ट, ये क्वेश्चन बनाई है हमारी। अब हमने इसको क्या किया, आई 4 आई टू प्लस 8 आई की वैल्यू रखी, आई वन प्लस आई टू मैंने थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट किया, 8 आई वन प्लस 8 आई टू प्लस आई टू इक्वल टू 6, 8 आई वन प्लस 13 आई टू, इसको सोल्व करने के बाद ये आया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद एक क्वेश्चन फर्स्ट को, ये क्वेश्चन सेकेंड, इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनी ये 9 आई टू इक्वल टू 4 आई टू इक्वल टू 4 बाई 9, ये फिर आपका इसकी वैल्यू ये इक्वेशन जो है 8 आई वन प्लस, ये सेकेंड वाली इक्वेशन है ये, इसमें हमने आई टू की वैल्यू रखी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन आई आई वन की वैल्यू आई 1 बाई 36। अब जंक्शन रूल से आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई 1 अपॉन 36, ये आपका 17 अपॉन 36। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, 8 ओम V इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे लगाने के बाद 8 क्या है रेजिस्टेंस, 17 अपॉन 36 क्या है
करंट, तभी क्या होगा आपका 4.25 वोल्ट इट्स ए रिक्वायर्ड आंसर। आशा बेटा मैं सोचता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को फ़ोन करना या मैसेज करना, इसके भी ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो मैं आपको होमवर्क